हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला हूँ, तो मैं इसीलिए स्टार्टिंग में आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो अगर आप पतले दुबले हो, बिगनर हो और आप घर पर वर्कआउट करके अपने बाइसेप्स साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज मैं आपको होम बाइसेप्स वर्कआउट दिखाऊंगा। साथ ही साथ जिनका हाइट नहीं बढ़ रहा है, उनका एज 18 साल हो चुका है या उससे ऊपर हो चुका है, तो कैसे अपने हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो है। तो एंड तक देखते रहना, बिकॉज मैं कहीं पे आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं आफ्टर 18 इयर्स, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज आज के बाद बहुत ही ज़्यादा धांसू कंटेंट्स आने वाला। मैंने सोच कर रख लिया कि आपके लिए क्या क्या कंटेंट्स लाना है, और बहुत ही तगड़ा कंटेंट आने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना, बिकॉज नोटिफिकेशन आना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो आया कब। तो आज का पूरा वर्कआउट हमारा इन दोनों ईंटों के हेल्प से होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्कआउट से। तो हाथ को थोड़ा सामने लेके आना है, ठीक है, यहाँ से अप, यहाँ पे स्क्वीज करना है, ठीक है, फिर स्लोली स्लोली डाउन करना है, अप स्क्वीज, और थोड़ा रिस्ट को ऐसा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बाइसेप्स ज़्यादा इंगेज हो जाएगा, और जब आप बाइसेप्स को वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको सोचना है कि बाइसेप्स पे लोड आ रहा है कि नहीं। अगर लोड बाइसेप्स पे नहीं आएगा देन कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका बाइसेप्स साइज इंक्रीज नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा वर्कआउट करते हैं, जैसे तैसे हिलाते हैं बस सूर्य, जैसे तैसे करके उनका बाइसेप्स बन जाएगा, लेकिन ऐसे कभी आपका बाइसेप्स नहीं बनेगा, ठीक है। शोल्डर आपका एकदम स्टिफ रहेगा, बस एल्बो का मूवमेंट होगा, डाउन अप अप स्क्वीज स्क्वीज करना है, ठीक है, ज़्यादा ब्लड जाना चाहिए, डाउन अप, साइड से देखो अप स्क्वीज डाउन स्क्वीज डाउन स्क्वीज डाउन। तो ये था हमारा पहला वर्कआउट। माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। कोई भी बॉडी पार्ट आप ट्रेन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको सोचना है कि वहाँ पे लोड आ रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पे प्रेशर ही फील नहीं होगा देन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। हम लोग लगाएंगे हैमर कर्ल। वेट मैटर नहीं करता कि आप कितना वेट उठा रहे हैं, कितना सही तरीके से लगा रहे हैं, कितना रेप्स लगा रहे हैं, फेलियर तक ट्रेन कर रहे या नहीं कर रहे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्कआउट के लिए हाथ को थोड़ा सामने, और ग्रिप हमारा पहले ऐसे था, अब ऐसे रहेगा, ऐसे पकड़ना हाइट को सामने की तरफ और इनवर्ड, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, बॉडी को जर्क नहीं करना है, फील द मसल्स, कम ऑन अप, और जितना भी मैं आपको वर्कआउट दिखाऊंगा सभी का 3 सेट लगाना, फेल तक ट्रेन करना जब तक लास्ट रिप तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पूरा जला देना मसल्स को, बर्न करना पूरा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा और मसल्स फैटिक होगा। अगर आपका मसल्स फैटिक नहीं हो रहा देन कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अब मैं आपको तीसरा वर्कआउट दिखाता हूँ, कंसंट्रेशन कर्ल, ठीक है, स्क्वीज होल्ड डाउन स्क्वीज होल्ड डाउन स्क्वीज डाउन स्क्वीज डाउन स्क्वीज। ब्लड जाना चाहिए, सोचना है कि मसल्स पर लोड आ रहा है कि नहीं, फिर आस्ते आस्ते डाउन, ऑल्टरनेट दूसरे हाथ में लगाना, स्क्वीज डाउन स्क्वीज डाउन स्क्वीज डाउन स्क्वीज डाउन स्क्वीज होल्ड डाउन।
तो ये तीन वर्कआउट आपको घर पर करना है, और डाइट आपको सही रखना है। डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खाली वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता है। न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग अपने बॉडी साइज बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि डाइट को सही करें। हमारा जो इंडियन डाइट है एकदम बर्बाद है, ठीक है, पूरा बर्बाद है। दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले हमारा डाइट बर्बाद है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा उनसे पीछे हैं, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन चाहेंगे तो उनसे भी आगे जा सकते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका एज 18 साल हो चुका है और उनका हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है, और वो अपने हाइट से एकदम ही खुश नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाइट 60% आपके जेनेटिक्स ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और बाकी 40% एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, जिसमें आता है आपका न्यूट्रिशन, आप किस जगह पर रहते हैं, आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जेनेटिक्स को तो आप कुछ नहीं कर सकते, और आप जेनेटिक्स को कभी ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, आपके कि जेनेटिक्स ख़राब है। आपने, हो सकता है अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लिया है, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया है, आप में हार्मोनल इम्बेलेंस आ चुका है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो ग्रोथ हार्मोन है प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है और आपका हाइट इंक्रीज नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने डाइट को सही करें, हाई प्रोटीन डाइट ले, बिकॉज हमारा पूरा बॉडी प्रोटीन से बना हुआ है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं या ज़्यादा मीट मछली ये सब नहीं खाते हैं और आपके बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, देन हो सकता है कि हार्मोनल इम्बेलेंस आ चुका होगा और आपका बॉडी ग्रो नहीं कर पा रहा, बिकॉज जो खुराक उसको चाहिए आप उसको दे नहीं रहे हैं। तो डाइट में प्रोटीन को हाई रखिए, ठीक है, जैसे आप चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, पनीर, न्यूट्रल, अगर सोया चंक्स आप कंज्यूम करिए, और दाल, मूंगफली, चना, मूंग, ये सारी चीज़ कंज्यूम करिए, ठीक है। और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले तो आप ट्राई करिए यार। आप जेनेटिक्स पे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट चल जाता है कि मेरा मम्मी का हाइट ज़्यादा नहीं है, पापा का हाइट ज़्यादा नहीं है, तो मेरा कैसे हाइट बड़ा होगा। तो अगर आप सही डाइट ले रहे हैं, सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल को आप सही करते हैं, देन आपको हेल्प मिलेगा, बिकॉज 40% आपके हाथ में, 60% जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स को हटा दीजिए, गोली मारिए उसको, 40% आपके हाथ में, तो उस पे 100% देना है, ठीक है। ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और अगर आप सही से ट्राई करते हैं फिर फेल करते हैं तो फिर आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा निराश मत हो, बिकॉज मैं आपके लिए कुछ ज़बरदस्त कंटेंट लाने वाला हूँ इन फ्यूचर, कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। एक दिन में पूरा बोलना पॉसिबल नहीं है, तो रेडी हो जाओ और सब्सक्राइब करो, बिकॉज ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला हार्ट इंक्रीज रिलेटेड, कि आप कैसे हार्ट इंक्रीज कर सकते हैं, क्या फूड्स लेना चाहिए, क्या सप्लीमेंट, तो टोटली मैं सही से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, पूरा एक सीरीज आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं करेंगे, देन आपको पता नहीं चलेगा कब मैं वीडियो रिलीज़ कर दूंगा, ना आपको पता ही नहीं चलेगा, ना आप मिस कर जाएंगे। तो मैं वीडियो को आज यहीं पेंट करता हूं, नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है, ठीक है, ज़बरदस्त, तो वेट करते रहना, और वीडियो को यहीं पेंट करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल, पीस बाय।